रेसिपी पार्टी या मेहमान के लिए ही क्यों, अपने लिए बनाएं वेज पुलाव। रोटी के अलावा चावल खाने का भी अपना ही मजा है। घर पर पार्टी हो और या मेहमान आ रहे हो, पुलाव बनाया जा सकता है। जानिए शाही पुलाव कैसे बनाया जाता है। सामग्री: 2 कप चावल, कप उबली हुई हरी मटर, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, कप टुकड़ों में कटी पनीर या टोफू, 1 से 2 तेज पत्ता, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच किशमिश, 1 चम्मच जीरा, 1 से 2 दालचीनी, 3 लहसुन, 5 से 6 इलायची, 2 चुटकी केसर, 6 चम्मच घी, 1 चम्मच कटी हरी धनिया, नमक। विधि: सूखे चावल को साफ पानी से धोने के बाद बड़े बर्तन में पकाकर पानी निकालें, ठंडा होने के लिए रख दें। पैन में 1 चम्मच घी गरम करके काजू और किशमिश को 1 मिनट तक के लिए मध्यम आंच पर फ्राई करें और रख दें। पैन में और घी डालकर गरम करें और फिर उसमें तेज पत्ता, लहसुन, कटी हरी मिर्च, इलायची और जीरा डालें। अगर आप इसमें प्याज और अदरक को अभी डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। जब यह सभी सामग्रियां अच्छे से पक जाएं तब उसमें पनीर या टोफू, चावल और हरी मिर्च को डालें। अच्छे से चलाएं जिससे चावल में घी अच्छी तरह से समा जाए। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालें। अब अलग से एक गर्म पानी की कटोरी में केसर भिगोएं। जब वह लाल रंग का हो जाए तब उसे चावल के साथ मिलाएं। 2 मिनट तक चावल को चलाएं और फिर गैस की आंच को बंद करें। अब पुलाव को काजू, किशमिश और कटी हुई धनिया को छिड़कर परोसें।